मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक जगह पर घूमने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उल्कापिंड की वर्षा देखने के लिए आए होते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर उल्कापिंड की बारिश होने भी लगती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी चीज आसमान से नीचे गिरती है, और अब यहाँ पर जैसे ही वो कपल उस अजीब सी चीज के पास में जाते हैं तो तभी उसमें से एक छोटा सा क्रीचर निकलकर आदमी के शरीर में घुस जाता है, जो देखकर उसकी पत्नी बुरी तरह से डर जाती है, जिससे अब उसे लगता है कि उस क्रीचर ने उसके पति को मार दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी एकदम से ही उठ जाता है और फिर अपने पति को एक गन से शूट कर देता है। दरअसल ये एक ऐसा एलियन क्रीचर होता है जो इंसान के शरीर में घुसकर उसके माइंड पर कंट्रोल कर लेता है और फिर वो जो चाहे उस इंसान से करवा सकता है। जिसके बाद अब अगली सीन में हम इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट ट्यूमा को देखते हैं, जो कि आर्मी में एक स्नाइपर होती है। अब वो यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान 800 मीटर दूर तक के टारगेट को बहुत ही आसानी से शूट कर देती है, जो देखकर उसके साथी काफी हैरान रह जाते हैं। पर तभी यहाँ पर चियोमा को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है, जिसमें उसे उसके बॉयफ्रेंड जेसन की दुर्घटना के बारे में पता चलता है। इसी वजह से चियोमा जेसन से मिलने के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है, और अब हॉस्पिटल में उसे जेसन बताता है कि वो उसे प्रपोज करने के लिए आ रहा था, और वहीं उसकी माता पिता उसे प्रपोज करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब यहाँ पर जेसन चियोमा से अपने भाई एरन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास ले जाने के लिए कहता है, और वहीं वो चियोमा को रिंग देकर प्रपोज भी करता है, जिसकी तुरंत बाद ही जेसन की मृत्यु हो जाती है। अब जेसन की मृत्यु से चियोमा काफी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन जब वो एरन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास ले जाने के लिए तैयार कर रही होती है कि तभी चियोमा की फ्रेंड लीज और कैली का कॉल आता है। वो दोनों भी चियोमा के साथ जाने के लिए कहती है, जिसे चियोमा मान जाती है, और फिर अगले दिन चियोमा, लीज और कैली एरन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी कार पंचर हो जाती है, और अब कार से उतरने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने रास्ते में कील रखकर कार को जानबूझकर पंचर किया है, और तभी अचानक से वहां पर एक आदमी उन्हें गन से शूट करने लगता है, जो आदमी भी उसी एलियन क्रिएचर से इन्फेक्टेड होता है। अब यहाँ पर वो आदमी लिस को शूट कर देता है और वो बाकी लोगों को भी मारने वाला होता है, पर तभी चियोमा उस आदमी को शूट करके उसे ही मार देती है। पर वहीं यहाँ पर लिस बुरी तरह से घायल हो गई होती है, इसी वजह से वो सब तुरंत ही लिस को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और वहीं मार्शल नाम का एक पुलिस ऑफिसर चियोमा से इस घटना के बारे में पूछता है, लेकिन चियोमा को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, इस वजह से वो ऑफिसर को कुछ बता नहीं पाती। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर क्लार्क को देखते हैं, जो केजी नाम के कॉल सर्विस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि केजी सर्विस की गति 5G सर्विस से भी कई गुना फास्ट है। और फिर टेस्टिंग के बाद जब डॉक्टर क्लार्क घर पर आते हैं, तब उनकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। यहाँ पर वो ऑफिसर डॉक्टर क्लार्क को उसी एलियन क्रीचर को दिखाता है जो उसने एक जार में रखा हुआ था। दरअसल डॉक्टर क्लार्क ने बहुत पहले ही इस घटना के बारे में अपने किताब में बता दिया था, जहाँ उन्होंने इंसानों को सावधान भी रहने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उनका मजाक भी उड़ाया। अब क्योंकि उनकी बातें सच हो रही थी, इस वजह से सरकार उनकी मदद लेना चाह रही थी, और इसीलिए अब वो ऑफिसर डॉक्टर क्लार्क को बताता है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस क्रीचर की वजह से अफरा तफरी मच गई है, और अब हर तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई है, और अब केवल आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वहीं अब हम दूसरी तरफ चियोमा को देखते हैं, जो अपने दोस्त से विदा लेकर एरन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर छोड़ने के लिए निकल जाती है, और वहीं उसके साथ एक आर्मी का ऑफिसर भी होता है। अब रास्ते में आर्मी ऑफिसर कुछ सामान लेने के लिए लूकस नाम के एक आदमी के पास जाता है, पर वापस आते समय एक इन्फेक्टेड आर्मी ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है, और फिर वो जैसे ही चियोमा और एरन को मारने बढ़ता है कि तभी लूकस पीछे से आकर उस इन्फेक्टेड आदमी पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो तीनों भागकर रूम में आ जाते हैं। पर अब यहाँ सीसीटीवी के जरिए उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड आदमी अब भी जिंदा है और वो उनके ही रूम की ओर बढ़ रहा है, जो देखकर चियोमा लूकस से उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है, और अब प्लान के तहत लूकस इन्फेक्टेड आदमी का ध्यान भटकाता है, जिसके बाद अब मौका देकर चियोमा इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देती है। वहीं इसी दौरान पुलिस ऑफिसर मार्शल अपने एक और साथी के साथ वहां पर आ जाता है, जो पूछताछ के लिए तीनों को भी पुलिस स्टेशन लेकर आता है, और अब यहां पर वो चियोमा से पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी उसे कॉल के जरिए पता चलता है कि टाउन में कुछ लोग टाउन के लोगों को बेवजह शूट करके मार रहे हैं,
इसलिए अब ऑफिसर मार्शल चियोमा और उसके लोगों को वहीं पर ही छोड़कर अपने एक साथी के साथ टाउन में आ जाते हैं। और अब यहाँ टाउन में वो देखते हैं कि एक महिला और एक आदमी लोगों को शूट करके मार रहे हैं, क्योंकि वो दोनों भी इन्फेक्टेड है। जिसके बाद अब किसी तरह से मार्शल और उसका साथी उन दोनों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब जब यहाँ पर दोनों आदमी के लाश को चेक कर रहे होते हैं कि ये तभी एक क्रीचर जो इन्फेक्टेड आदमी के मरने के बाद उसके शरीर से निकल गया था, वो मार्शल के साथी के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो अपने ही दोस्त को मारने लगता है, जिस वजह से मजबूरन मार्शल को अपने साथी को ही मारना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम चियोमा, लूकस और एरन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन से भागकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां पर लिस एडमिटेड होती है। और अब यहां हॉस्पिटल में भी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। और फिर यहां पर उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से चियोमा अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाती है। पर अब ट्रैवलिंग के दौरान ही रेडियो के जरिए उसे पता चल जाता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। पर फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें लकड़ियों के जरिए रोड ब्लॉक किया हुआ मिलता है, जो कि किसी इन्फेक्टेड आदमी ने बिछाया था। इसी वजह से अब सब लोग कार से निकलकर जंगल की ओर भागने लगते हैं, पर वहीं इन्फेक्टेड लोग भी उनका पीछा करते हैं, जिस वजह से अब चियोमा अपने स्नाइपर गन को लेकर एक ऊंची जगह पर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब दोनों इन्फेक्टेड लोग कैली और लूकस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी चियोमा उन दोनों को अपने स्नाइपर से शूट करके ठिकाने लगा देती है और फिर अपने ग्रुप के साथ फिर से मिल जाती है। अब आगे कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो सब थक जाते हैं, इसलिए वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। पर तभी हम यहाँ पर लिस को देखते हैं, जो कि इन्फेक्टेड हो गई होती है। इस वजह से वो अपनी सिस्टर कैली को ही मारने लगती है। और तभी वहाँ पर ऑफिसर मार्शल भी आ जाता है, जो लिस को शूट करके मार गिराता है, जो देखकर चियोमा मार्शल से ही लड़ने लगती है। वो इल्जाम लगाती है कि तुमने हमारे साथी को मार दिया, जिस पर ऑफिसर मार्शल समझाता है कि उसने लिस के मुंह से निकलते हुए एक क्रीचर को देखा और उसे ये भी समझाता है कि वो इन्फेक्टेड हो गई थी, इसी वजह से हम लोग इसे नहीं बचा सकते थे। और अब मार्शल की बातों को सुनकर सब लोग थोड़ा शांत होते हैं और फिर वो लोग लिस की लाश को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ समय में वो लोग एक टाउन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ टाउन में भी एक इन्फेक्टेड आदमी उन लोगों पर हमला कर देता है, जो देखकर चियोमा किसी तरह से उस आदमी को मार देती है। लेकिन इसी दौरान चियोमा की दोस्त कैली को एक गोली लग जाती है, इसलिए सब लोग कैली को लेकर एक रूम में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर चियोमा कैली की गोलियों को निकाल कर घाव पर पट्टी बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर क्लार्क को देखते हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, और वो यहाँ पर प्रेस को बताते हैं कि किस तरह से ये क्रीचर उल्का पिंड के साथ में धरती पर आया है। वो ये भी जागरूक करते हैं कि ये ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करके उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, और इसे रोकने के लिए हमें उन सभी उल्का पिंडों को नष्ट करना होगा जिसके जरिए वो पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन उन उल्का पिंडों की रक्षा इन्फेक्टेड लोग कर रहे हैं, इस वजह से हमें पहले केजी टेक्नोलॉजी का यूज करके पहले उन इन्फेक्टेड लोगों को सुलाना होगा, ताकि मौके का फायदा उठाकर हम उल्का पिंड को नष्ट कर सके। वो आगे ये भी बताते कि उल्का पिंड को नष्ट करने की जानकारी केजी सर्विस के जरिए पूरी दुनिया में सभी लोगों को भेज दिया जाएगा। जिसके बाद अब हम एरन को देखते हैं, जो चियोमा को उसके ग्रैंड पेरेंट के पास ले जाने के लिए कहता है, जिस पर फिर चियोमा मार्शल और लूकस को कैली का ध्यान रखने को कहकर खुद एरन को लेकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती है। पर वो देखती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्फेक्टेड हैं, जिस वजह से वो एरन के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। इसलिए बचाव में चियोमा उन पर गन से शूट करने पड़ती है, लेकिन एरन की दादी उसे भी गोली मार देती है, जो कि उसकी कमर में जा लगती है। और अब वो जैसी चियोमा को फिर से गोली मारने बढ़ती है कि तभी वहां पर लूकस आ जाता है, जो एरन के ग्रैंड पेरेंट्स को शूट करके उन्हें जान से मार देता है। पर इसी दौरान एक क्रीचर एरन के शरीर में ही घुस जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। जिसके बाद लूकस दोनों लोगों को लेकर एक रूम पर आता है और फिर यहाँ पर वो चियोमा और एरन का इलाज करता है। अब होश में आने पर जब चियोमा अपने पास के बारे में लूकस से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एरन, जो अब इन्फेक्टेड हो गया होता है, वो हमला कर देता है। और अब यहाँ पर लूकस एरन को मारने पड़ता है, लेकिन चियोमा उसे रोक कर उसे वहीं बेहोश कर देती है। वो अब कहते हैं कि वो एरन के इन्फेक्शन को दूर करके ही रहेगी। जिसके बाद अब वो तीनों वहाँ से निकल कर कैली के पास आ जाते हैं। पर अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि कैली की मृत्यु हो चुकी है, जो सुनकर चियोमा बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं अब उन्हें केजी सर्विस के जरिए इन्फेक्टेड लोगों को रोकने का तरीका पता चल चुका होता है, इस वजह से वो सब एक प्लान बनाते हैं।
और अब प्लान के तहत वो इन्फेक्टेड लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। वहीं चियोमा भी अपने स्नाइपर गन को लेकर एक जगह पर छिप जाती है। और अब यहाँ पर प्लान के तहत जब लूकस बॉम्ब को उल्का पेंट के ऊपर सेट करने जाता है कि तभी उस पर उल्का पेंट की गार्डिंग कर रहे इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं। और अब यहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी लूकस को मारने ही वाला होता है कि चियोमा अपने स्नाइपर गन से उसे मार गिराती है। और तभी वर्ल्ड में भाग्य से केजी की सर्विस चालू हो जाती है ताकि उसकी मदद से इन्फेक्टेड लोगों को कुछ समय तक डीप स्लीप में भेजा जा सके, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि इन्फेक्टेड लोग डीप स्लीप में जाने लगते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर लूकस एक बॉम्ब को उल्का पेंट पर सेट करने के लिए जाता है। पर वहीं अब हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जो अपने हाथों को चाकू से काटने लगता है, जिसकी वजह से केजी सर्विस की फ्रीक्वेंसी का असर उस पर ना हो, और ऐसा ही होता है। जिसकी बाद वो इन्फेक्टेड आदमी फिर से लूकस पर हमला करके उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर वो चियोमा और मार्शल को बाहर निकलने के लिए कहता है। अब लूकस की जान बचाने के लिए उन दोनों को बाहर आना पड़ता है और यहाँ पर वो इन्फेक्टेड आदमी चियोमा से कहता है कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें हमारे टीम में आना पड़ेगा। जो कहकर वो चियोमा के शरीर के अंदर एक क्रीचर को डालने ही वाला होता है कि तभी मार्शल उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे चियोमा को भी मौका मिल जाता है और वो भी उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर हमला कर देती है। जिसी दौरान फिर वहाँ पर एक बार फिर से केजी की फ्रीक्वेंसी चालू हो जाती है, जिसकी बाद अब लूकस किसी तरह से उल्का पिंड पर एक बॉम्ब को सेट कर देता है। और वहीं अब चियोमा अपने स्नाइपर गन से उस बॉम्ब को उड़ा देती है, जिससे वहाँ पर एक भयानक विस्फोट होता है जिसमें वो उल्का पिंड नष्ट हो जाता है। और वहीं अब इसी तरह का विस्फोट पूरी दुनिया में अलग अलग जगह होने लगता है, जिससे हर तरफ के उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। और अब उल्कापिंड के नष्ट होते ही सभी क्रीचर का कम्युनिकेशन टूट जाता है, जिससे वो सभी लोगों के शरीर से बाहर निकलकर मारे जाते हैं। वहीं क्रीचर के बाहर निकलते ही इन्फेक्टेड लोग भी ठीक हो जाते हैं, जिससे दुनिया में हर तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।